Assalamu alaikum. For more easy recipes, do subscribe my channel and hit the bell icon to get the first notifications. So, aaj hum banane ja rahe hain kuch different sa. Aaj hum banane ja rahe hain green malai bhujis. So, without wasting time, let's get started. यहाँ पर मैंने चिकन के बोले से लिए हाफ के जी इसको मैंने बिग क्यूब्स में काट लिए हैं. हाफ लेमन, मेरा बड़ा लेमन था वो मैंने इसको अच्छे से स्क्वीज कर दिया है. वन हैंड फुल, एक भरा हुआ हाथ मतलब लाइक हरा धनिया, चार से पांच हरी मिर्चें, यहाँ लहसुन लिया है मैंने दो, और रोस्टेड जीरा. क्रीम मैंने यहाँ लिया, हमें यहाँ पर चार चम्मच चाहिए होगी, आप कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं. अब इन सब चीज़ों को एक ब्लेंडर में ब्लेंड कर देंगे हम एक स्मूथ पेस्ट के साथ. सब चीज़ों को हम इसके लिए ऐड कर देंगे और हम इस तरह से इसको ब्लेंड कर देंगे अच्छा सा स्मूथ पेस्ट आने तक. हमने इसके अंदर क्या क्या ऐड किया है, हरा धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन, रोस्टेड जीरा और नींबू का रस. बस हम इसके अंदर इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, हमारे पास एक पेस्ट आ जाएगा. यहाँ आप देख सकते हैं स्मूथ सा अच्छे से पेस्ट आ गया हमारे पास. हम इसके अंदर 4 टेबल स्पून हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे, आप कोई सी भी क्रीम ऐड कर सकते हैं. इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हमारी बोचियों पे अच्छे से सारा मैरिनेट हो जाए. और साथ ही हम इसके अंदर जब मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1 से 1.25 चम्मच नमक ऐड करेंगे. नमक आप अपनी मर्जी से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं. आप इसको कवर करके रेस्ट देंगे फॉर 3 आवर्स, रेफ्रिजरेट कर दें तो ज़्यादा बेहतर है. यहाँ पे 3 आवर्स हमारे कम्प्लीट हो गए, हम इसको अनकवर करेंगे और तमाम पोचे का अपने स्केवर्स के अंदर ऐड कर देंगे. अगर आप स्केवर्स में नहीं ऐड करना चाहते तो आप पॉट में देखिए, मैं आप ऐसी भी ऐड कर सकते हैं. मैं यहाँ पे एक ग्रिलर ले रही हूँ, ग्रिल पैन ले रही हूँ, जिसमें मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसको मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया. और आप इसके ऊपर हम अपने स्केवर्स ऐड कर देंगे, अच्छे से नहीं सेट कर देंगे, ओवर नहीं इसके अंदर सेट करना है, जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से ही हम सेट करेंगे. और अब इसको हम कुक करेंगे फॉर गुड 8 मिनट्स के लिए. मैंने ये पैन इसलिए लिया, इसके ऊपर लाइन्स बनी हुई हैं और जब लाइन्स का कलर इसके बोचे के ऊपर आएगा बहुत अच्छा लगता है. यहाँ मैंने हल्का सा खोल के इसको हल्का सा फ्लिप कर दिया है और दोबारा कवर कर दिया. साथ में यहाँ पे एक चारकोल हीट करने पे रख रही हूँ. बास लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा था कि हाउ टू मेक फॉइल बाउल, अगर जिनके पास बाउल अवेलेबल नहीं है तो आप बहुत इस वेरी इजी आप घर में भी बना सकते हैं सिर्फ फॉइल से भी. इस तरह ये ग्लास लेना है, ग्लास के ऊपर इसको रैप करना है और अपने हाथ से इसको टाइट से अच्छा सा ग्लास के शेप का करना है और साथ में ग्लास निकाल दें. तो सी बन गया ये. अच्छा यहाँ पे हमारा टाइम कम्प्लीट हो चुका था तो मैंने इसको दोबारा से लाइक अपनी लीड ओपन करके इसको मैं फ्लिप कर रही हूँ और साथ ही मैं यहाँ पर प्लेस करके ऑयल बोल चारकोल ऐड करके उस पर कुछ ड्रॉप्स ऑयल के डाले हैं और उसको मैंने कवर कर दिया है. मज़े के हमारे मलाई बूटी, ग्रीन मलाई बूटीज आर रेडी. इंजॉय करें रोटी से, चटनी से, रायते से, व्हाटएवर यू लाइक टू ईट विद. Thanks for watching. If you like my video, give me thumbs up and don't forget to subscribe my channel and stay tuned for more. Till then, Allah Hafiz.